गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो अपन बात करेंगे वो अपने जो डोबनर और मिलर सिंथेसिस है, डोबनर मिलर सिंथेसिस था, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको इसकी रिएक्शन बताई थी, बट टाइम की शॉर्टकट वजह से मैकेनिज्म को अपन क्लियर नहीं कर पाए थे, बस उस पर थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस रिएक्शन में एक बार अपन डिवाइस करते हैं कि रिएक्शन में क्या हुआ था। कि एक तो इस मेथड में ये क्या है कि मेथड जो है ये स्क्रूब मेथड की तरह ही है, बस इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि भाई स्क्रूब मेथड में अपन क्या लेते हैं कि डायरेक्टली एक्रोलिन का यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि एक्रोलिन के स्थान पर अपन क्या ले सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का यूज कर सकते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन का जब अपन यूज करते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनका मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, और उससे क्या है कि क्या बन जाएंगे अपने पास, क्रोटोनिलडिहाइड, या अपन ये क्या बोल दें कि टू ब्यूटीनिल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन अभी आपको दिख रही है, यहाँ पर ये रिएक्शन अपन ने बताई थी कि यहाँ पर क्या है कि एस्टलडिहाइड के टू मोल्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी, इस मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो एस्टलडिहाइड है इसके यहां पर आप टू मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि ये जो रिएक्शन होगी इनका जो कंडेंसेशन होगा वो एसिडिक मीडियम में होता है, तो यहां से क्या होगा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर होता है, यानी कि यहां से OH और यहां से H ग्रुप बाहर हो जाएगा एक तरह से, तो यहां पर क्या है कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, वो क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH। ठीक है, ये क्या बन गया यहां पर टू ब्यूटीनिल। ठीक है ना, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं अपने, एल लगाते हैं। ठीक है, ब्यूटीन है ही, ठीक है, तो टू ब्यूटीनिल का फॉर्मेशन हो जाएगा, या अपने इसको बोलते हैं क्रोटोनिलडिहाइड। ठीक है ना, क्रोटोनिलडिहाइड के नाम से भी यही जाना जाता है। ठीक है, अब जो क्रोटोनिलडिहाइड है इसके जो रिएक्शन कराएंगे आप किसके साथ कराएंगे, एमीन के साथ, ये आपकी यहां पर एमीन हो जाएगी। ठीक है, ये एमीन ली, इसके साथ आप क्या है कि टू ब्यूटीनिल का क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो यहां पर क्या होगा ठीक है, इस तरह से यहां पर है। ठीक, अब क्या होता है कि भाई जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां पर क्या है कि जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से यहां पर ट्रांसफर होंगे कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहां आएंगे। ठीक है, और यहां पर क्या होगा कि इनके बिटवीन, यानी कि जो यहां से एक हाइड्रोजन क्या होगा रिलीज होगा, सॉरी यहां पर एक सेकंड मैंने इस तरीके से लिख दिया, एक एमीन का हाइड्रोजन इस तरह से लिखते हैं, तो यहां से क्या है कि प्रोटॉन रिलीज होगा और वो प्रोटॉन क्या आएगा कि इस कार्बन और इसके बिटवीन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, इन दोनों के बिटवीन। ठीक है ना, तो यहां पर ये प्रोटॉन जो रिलीज होगा वो कहां चला जाएगा, इस कार्बन पर, क्योंकि इस पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एनायन बनेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस कंडीशन में ये प्रोटॉन इस पर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी यहां पर, अब यहाँ पर तो क्या हो गया NH, यहाँ से एक H गया तो एक ही बचा है यहाँ। ठीक है, और इसके साथ ये कार्बन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, और इसके साथ क्या है, मैथिल ग्रुप ऐड है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, एक H आया। ठीक है, और ये CHO, और यहाँ से एक H बाहर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अपने ये कह सकते हैं कि इसके बिटवीन यहाँ क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट कैसे होगा कि यहां पर जो सी एच टू है, इस सी एच टू से एक एच रिलीज होकर कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी अब जब ये हाइड्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ ये NH, यहाँ पर ये CH, CH3, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये जो CH है इसके बिटवीन अब यहाँ से क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, यानी कि यहाँ से ये प्रोटोन यहाँ जाएगा तो इनके दोनों के बिटवीन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, HO, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, इन दोनों के बिटवीन, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के बेंजीन रिंग के कार्बन और जो अपना ये इसके है इस कार्बन के बिटवीन क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक मेंबर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये डबल रिंग मेंबर हो जाएगा, यहाँ से क्या हुआ एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, ठीक है, और क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, ये तो बेंजीन रिंग है ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर CH आ गया, फिर क्या आ जाएगा CH CH3, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ठीक है, और इसके साथ ये H है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया। अब इसका क्या होगा कि इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन, क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या है कि हाइड्रोजन कहां कहां से बाहर होंगे, तो हाइड्रोजन कहां से बाहर होगा कि एक हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से ये बाहर होगा, ठीक है, जिससे क्या है कि नाइट्रोजन और कार्बन के बिटवीन क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करना है अपने को, तो डबल बॉन्ड करना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज होगा और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन से मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस H2O और अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, क्विनोलिन, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या जाएगा, ये मेथिल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या फॉर्म हुआ, 2-methyl-quinoline, ठीक है। ये क्या है कि जो डोबनर मिलर सिंथेसिस है उसकी क्या है, मैकेनिज्म है। अब जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है कॉनराड लिम्पेक एवं नोर सिंथेसिस, ठीक है। अब ये दोनों सिंथेसिस क्या है कि बस इसमें रिएक्टेंट का थोड़ा सा अंतर रहेगा, बाकी तो दोनों में प्रोसेस उसी तरह से हैं, प्रोडक्ट दोनों सेम देंगे, ठीक है, रिएक्शन अपन दोनों की अलग अलग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सीक्विनोलिन है उनको बनाने का ये एक मेथड है, ठीक है। क्या आ गया, फोर्थ मेथड अपना कॉनराड लिम्पेच एंड नोर सिंथेसिस, ठीक है। इस सिंथेसिस में क्या होता है कि फर्स्टली अपने क्या बताया कि यहाँ पर हाइड्रोक्सीक्विनोलिन को बनाने का एक मेन मेथड है, ठीक है, इसे ये एक इसे अपने ये हाइड्रोक्सीक्विनोलिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी एरोमेटिक एमीन क्या करते हैं कि जो एरोमेटिक एमीन है उस एमीन को क्या करते हैं कि बीटा कीटो एस्टर के साथ क्या कराते हैं, उसका संघनन कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं और जो बना हुआ उत्पाद होता है यानी कंडेंसेशन कराने पर जो प्रोडक्ट बनता है यानी कि अपन जो एडक्ट बनेगा यहाँ पर उस प्रोडक्ट का क्या करते हैं कि
जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद क्या होगा कि उसकी क्या है कि जो रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे अपन क्या है कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अपने बोला है कि एरोमेटिक एमीन, तो यहाँ पर अपन एनिलीन ले लेते हैं, और बीटा कीटो एस्टर के लिए अपन क्या ले लेते हैं, एसीटो एसिटिक एस्टर। तो इनके बिटवीन क्या है कि अपन कंडेंसेशन कराते हैं। तो कंडेंसेशन कराने पर क्या होता है कि अगर रिएक्शन क्या होती है कि रूम टेम्परेचर पर कराते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 4-मेथिल-4-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर क्या है कि टेम्परेचर हाई रखते हैं, लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है 4-मेथिल-2-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, यानी कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इस पर क्या है कि जो रिएक्शन सॉरी मैकेनिज्म नहीं, जो रिएक्शन है यानी कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर जो इस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो रिएक्शंस की जो कंडीशंस हैं उन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या बात की अपन ने, इस मेथड से हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस मेथड में एरोमेटिक एमीन एमीन एंड बीटा कीटो एस्टर 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 का कंडेंसेशन कराने पर क्विनोलिन या इसके डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। ठीक है, उत्पाद या प्रोडक्ट रिएक्शन की अभिक्रिया की कंडीशन डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे जैसे अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनिलीन एनिलीन व एसीटो एसिटिक एसीटो एसिटिक एस्टर एस्टर के मध्य संघनन कंडेंसेशन निम्न प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो इनके बिटवीन अपने कैसे इसको इसके लिए अपने रिएक्शन कराएंगे, तो फर्स्टली अपन बताएंगे जो बताएंगे वो अपन किसके लिए बताएंगे, कॉनरेड दोनों के लिए अलग अलग है, नोर रिएक्शन अलग है, रोन सिंथेसिस। ठीक है, तो फर्स्टली अपन किसके बताएंगे, कॉनरेड
डिम्पैक सिंथेसिस, ठीक है। इनके बिटवीन आप जब इसका सिंथेसिस कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि जो रिएक्शन है ये रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, ठीक है। आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी, क्योंकि फिर ये टाइम लिमिट क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।